सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 बुद्धिस्ट प्लेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट। सो दोस्तों, टॉप 5 पर आता है लुम्बिनी इंटरनेशनल नगरी। ये जो आप देख रहे हैं, यह है लुम्बिनी इंटरनेशनल नगरी। यह उमरेड रोड पर ऊटी में स्थित है और ये नागपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बहुत ही खूबसूरत जो है गार्डन देखने को मिलेगा, जिसका काम जो है यहाँ पर चालू है। और यहाँ पर आपको तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि यहाँ पर लाइन से लगी हुई है। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी और खूबसूरत प्रतिमा देखने को मिलेंगी, जो कि 51 फीट ऊँची है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको गार्डन में दो और बुद्ध प्रतिमा जो है देखने को मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि लेफ्ट और राइट में रखे गए हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर ऊपर में आते हो तो ऊपर में आपको बहुत ही खूबसूरत सा जो है नज़ारा देखने को मिलेगा। और यह है वो बुद्ध प्रतिमा जो कि 51 फीट ऊंची है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसी के नीचे खूबसूरत बुद्ध विहार है, जहाँ पर बहुत सारे बुद्ध प्रतिमाएं रखे गए हैं। इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बनाया है, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो दोस्तों, उसके बाद टॉप 4 नंबर पे आता है, वो आता है नागलोक नागपुर। सो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं नागलोक, तो यहाँ से जो है एंट्री गेट है। तो जैसे आप अंदर में जाते हो तो यहाँ पर जो है आपको तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी की भव्य जो है प्रतिमा देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट एंड राइट साइड में जो है बहुत ही खूबसूरत जो है गार्डन देखने को मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है आर्ट गैलरी। यहाँ पर आपको भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब की बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जो है मूर्तियाँ प्रतिमाएं जो है देखने को मिलेंगी। और इस साइड में आपको मेडिटेशन सेंटर भी जो है देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं प्रतिमा के एकदम नज़दीक, देख सकते हैं कितनी भव्य और कितनी खूबसूरत प्रतिमा है। सो दोस्तों, बहुत ही बड़ा परिसर है ये, और यहाँ पर 14 अक्टूबर और विजयादशमी के दिन भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए लाखों अनुयायी जो है यहाँ पर आते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको हर जगह जो है ग्रीनरी जो है देखने को मिलने वाली, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है यहाँ पर आपको नज़ारा भी देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर बुद्ध सूर्य विहार भी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसी बुद्ध विहार में आपको भगवान बुद्ध की जो है प्रतिमा देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर है। और इस बुद्ध विहार में बहुत ही ज़्यादा शांति है, और यहाँ पर आकर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है और अलग ही जो है पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारे किताबें और बहुत सारे जो है सुंदर सुंदर जो है प्रतिमाएँ देखने को मिलेंगी, बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के। सो दोस्तों, उसके बाद टॉप 3 नंबर पे आता होता है शांतिवन चिचोली बुद्ध विहार, जो कि नागपुर से 19-20 किलोमीटर की दूरी पर है। सो दोस्तों, कुछ इस तरह का जो है आपको व्यू जो है देखने को मिलने वाला, जो कि बहुत ही सुंदर। यहाँ पर जो है अभी अभी जो है नया गेट बनाया गया है। इसके बाद अंदर में जो है बहुत सारा जो है काम यहाँ पर चालू है, बहुत सारी जो है चीज़ें यहाँ पर बन रही है। और ये जो आप देख रहे हैं, यह है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मृति संग्रहालय। यहाँ पर आपको बाबा साहब की हर वो चीज़ देखने को मिलेंगी, जो कि बाबा साहब ने इस्तेमाल किए हुए हैं। तो यहाँ पर सभी वो चीज़ें डिस्प्ले करे गए हैं, जैसे कि कोट हो गया, टाई हो गया, या फिर सॉक्स हो गए, या फिर बेल्ट, सूट, बटन, कुर्सी, स्टो, ऐसी काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले करके रखे गए हैं, जिसे देखने बहुत ही दूर दूर से जो है लोग यहाँ पर आते हैं। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, यह है ऑडिटोरियम, जिसका काम अभी चालू है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बन रही है। और ये जो आप देख रहे हैं, यह है नया वाला संग्रहालय, यहाँ पर बन रहा है, जो कि पुराने वाला जो संग्रहालय में जितने भी सारे जो है चीज़ें रखी हुई है, वो नए वाले संग्रहालय में जो है रखे जाने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये है मेडिटेशन सेंटर। इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बनाया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो दोस्तों, टॉप 2nd नंबर पर जो आता है, वो आता है ड्रैगन पैलेस। सो दोस्तों, ये रहा ड्रैगन पैलेस टेम्पल का जो है टाइमिंग। सो दोस्तों, ये जो ड्रैगन पैलेस है, ये नागपुर से 19-20 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि कामठी में स्थित है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये ड्रैगन पैलेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर लग रहा है, जो कि लोटस के आकार में बना हुआ है भगवान बुद्ध का यह स्तूप। और यहाँ पर आपको हर जगह ग्रीनरी देखने को मिलने वाली है, मतलब कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड में आपको बहुत बड़ा जो है गार्डन देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर हजारों लोग आते हैं भगवान गौतम बुद्ध को जो है नमन करने के लिए। और यहाँ पर जो है अलग ही खूबसूरत जो है शांति होती है, और अलग ही जो है फील होता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एकदम शांत वातावरण है यहाँ पर। अगर कोई भी शांति की तलाश में है तो ये प्लेस उनके लिए बेस्ट है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको छोटा सा फाउंटेन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि रात में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये है भगवान बुद्ध की खूबसूरत और सुंदर प्रतिमा। इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बनाया है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो दोस्तों, टॉप 1 पे आता है दीक्षा भूमि।
दीक्षा भूमि में हर साल हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। यह एक बौद्ध स्तूप है जो 120 फुट लंबा है। यह पवित्र स्थान पर बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने 5 लाख से भी अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। पंचशील और अपनी 22 प्रतिज्ञाएं देखकर डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू दलितों का धर्म परिवर्तन किया था। अगले दिन फिर 15 अक्टूबर को 3 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और स्वयं भी फिर से दीक्षित हुए। देश तथा विदेश से हर साल दीक्षा भूमि में 25 लाख से अधिक अंबेडकरवादी और धर्म अनुयायी आते हैं। हर साल 14 अक्टूबर को यहाँ हजारों की संख्या में लोग बौद्ध धर्म परावर्तित होते रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दीक्षा भूमि को ए वर्ग के पर्यटन क्षेत्र का दर्जा दिया है। नागपुर शहर के सभी धार्मिक व पर्यटन क्षेत्रों में यह पहला स्थान है जिसे ए क्लास का दर्जा हासिल हुआ है। यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में जो है लोग आते हैं बाबा साहब और भगवान बुद्ध को जो है नमन करने के लिए। सो दोस्तों, आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।